नमस्कार मित्रों, साथियों, भाइयों और उनकी बहनों, एक बार फिर मैं आ गया। तो भाई, जवान की आंधी ने सारी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को हवा कर दिया है और हर दिन ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बनाते जा रही है कि आप भी सुनकर दंग रह जाओगे। जहां इस फिल्म ने सभी फिल्मों को पछाड़ते हुए सिर्फ 9 दिनों में ही 735 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है, वहीं इसके OTT राइट्स भी हाईएस्ट अमाउंट पर सेल किए गए हैं, जिसे नेटफ्लिक्स ने 250 करोड़ में खरीदा है। वहीं इस फिल्म के ऑनगोइंग कलेक्शंस की बात करें तो जहां इसने 9वें दिन यानी 15 सितंबर को 19.1 करोड़ का कलेक्शन किया था, वहीं इसने 10वें दिन यानी 16 सितंबर को 31 करोड़ का कलेक्शन किया है। अभी तक इस फिल्म ने ऑल ओवर इंडिया से 439.91 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जो कि किसी भी हिंदी फिल्म द्वारा किया जाने वाला सबसे ज़्यादा अमाउंट है। वहीं बाहुबली 2, RRR और KGF चैप्टर 2 जैसी फिल्में अभी भी इससे इस मामले में आगे हैं। वहीं इस फिल्म ने बाहुबली 1 और गदर 2 जैसी फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी बीट कर लिया है, वो भी सिर्फ 9 दिनों में। हाल ही में रखे गए इस फिल्म के सक्सेस इवेंट में शाहरुख खान ने कई बातों का खुलासा किया। उन्होंने यह बताया कि इस फिल्म में दिखे उनके गंजे वाले लुक का कारण था उनका आलस, क्योंकि वो प्रोस्थेटिक्स में घंटों तक मेकअप करवाते हुए बिना मतलब का मेहनत नहीं करना चाहते थे, जिसका उन्होंने यह तोड़ निकाला। वहीं इस फिल्म का मोस्ट फेमस और वायरल हो रहा डायलॉग, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, के जगह फिल्म में पहले वह सीन बिना डायलॉग का होने वाला था, क्योंकि वह सीन बिना डायलॉग के भी काफी खतरनाक था। लेकिन लास्ट टाइम पर इसके स्क्रिप्ट राइटर ने यह डायलॉग डायरेक्टर इटली से डिस्कस करके ऐड करवा दिया। वैसे आपको क्या लगता है, यह फिल्म कितने दिनों में 1000 करोड़ का माइलस्टोन पार कर पाएगी? कमेंट में जरूर बताना और इन दोनों वीडियोस को जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।